आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 चैप्टर नंबर 5 एलिमेंट्री शेप्स का एक टॉपिक एंगल्स। एंगल्स के बारे में हम पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं, पिछले चैप्टर में। एंगल का बेसिक क्या है कि एंगल दो रे से मिलके बनता है। रे क्या होती है? जिसका एक एंड पॉइंट होता है और एक नेवर एंडिंग पॉइंट होता है। तो ये जो वर्टेक्स है रे की, ये जो एक एंडिंग पॉइंट है, ये दोनों मिल जाते हैं किसी भी डिग्री पे मिल सकते हैं। ये डिग्री मतलब हम जितना ही एक दूसरे से दूर हैं, ये दो लाइंस, दो रे जितना एक दूसरे से दूर हैं, उनको जिस भी टर्म में मेजर करते हैं उसको डिग्री कहते हैं। ठीक है, कितना डिग्री एक दूसरे से दूर है। तो ये आपका हो सकता है 45 डिग्री, 30 डिग्री, 20 डिग्री, आपने देखा होगा, ऐसे सुना होगा। तो दीज आर कॉल्ड एंगल्स। एंगल्स कितनी तरह के होते हैं आज हम वो पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ एंगल्स, सबसे पहले आपको मैं बताती हूँ कि स्ट्रेट एंगल क्या होता है। स्ट्रेट एंगल इज लाइक दिस, कि मान लीजिए ये एक रे है ये, और एक रे है ये, ये दोनों बिल्कुल सीधा एक दूसरे से मिल गए, यानी जो मीटिंग पॉइंट है ये बिल्कुल स्ट्रेट है। बेसिकली दोनों लाइंस एक स्ट्रेट लाइन में आ गए हैं और ये आपका एंगल बन रहा है, और ये होता है 180 डिग्रीज का। ठीक है, इसको कहते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल इसके बाद हम देखते हैं एक होता है, अगर एक रे है आपकी, ये आपकी रे है, ये दूसरी रे पे बिल्कुल सीधा खड़ी है, बिल्कुल सीधा, ठीक है, एकदम स्ट्रेट, तो इसको हम कहते हैं, इसको हम स्क्वायर एंगल ऐसे स्क्वायर से डिनोट करते हैं, और ये होता है आपका 90 डिग्रीज का। 90 डिग्री का मतलब है राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल, ये याद रखना। इसके बाद आपका थर्ड एंगल आता है जिसको हम कहते हैं कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या है आपका? कंप्लीट एंगल का मतलब है एक रे और दूसरी रे इसी के ऊपर है, एक दूसरे के ऊपर, और ये एंगल आपका पूरा का पूरा 360 डिग्री का जो एंगल होता है कंप्लीट हो रहा है, पूरा सर्कल कंप्लीट कर रहा है, तो ये 360 डिग्रीज का होता है, उसको कहते हैं कंप्लीट एंगल। इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को आपको क्लॉक में कई बार पूछा जाता है, क्लॉक बनाई जाती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आप देखिए, 12, 6, 3 and 9। आई होप इन चार नंबर से आपका काम बन जाएगा। आपको पूछा जाता है कि अगर एक हैंड, जो मिनट हैंड है, मिनट हैंड मीन्स जो लंबा वाला हैंड है, वो 12 पे है और छोटा वाला हैंड 3 पे है, तो आप बताइए कौन सा एंगल बना रही है ये दोनों नेडल्स, ये दोनों सुइयां घड़ी की, वो कौन सा एंगल बना रही है? तो आप देखो बिल्कुल स्ट्रेट है, दोनों रेज एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट है, तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, कई बार पूछा जाता है कि एक हैंड जो है वो 3 पे है और एक हैंड 9 पे है। ठीक है, टाइम दिया जाएगा आपको कि 3:45 हो रहे हैं, कुछ भी टाइम दे देंगे, तो उसमें आप कौन सा एंगल बन रहा है? तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन रही है दोनों नेडल से, तो ये 180 डिग्री का होगा। ऐसे ही अगर आपको बोला जाए कि 6 बजे हैं, फॉर एग्जांपल 6:00 हुआ है, तो 6:00 ऐसे होता है कुछ, ठीक है, तो ये भी क्या है? स्ट्रेट एंगल है, बिल्कुल दोनों रेज बिल्कुल स्ट्रेट है, ये एक रे मान लीजिए, ये एक रे मान लीजिए। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको बोला जाए कि दोनों हैंड पूरा 12 बजे, दोनों हैंड एक ही जगह पे, तो ये क्या है? ये आपका 360 यानी कंप्लीट एंगल है। ठीक है, ऐसे ही कई बार 90 डिग्रीज को और तरह से भी दिया जाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको, जैसे आपको बोला जाएगा कि ये घड़ी है और आपको एक जो सुई है वो 3 पे है और एक जो है वो 6 पे है, तो आप बताइए कौन सा एंगल बना है? तो ये भी आपका 90 डिग्री है। इसके अलावा आपको ट्रिक ऐसे करेंगे, आपको बोला जाएगा कि एक जो है वो फॉर एग्जांपल 1 पे है और एक जो है वो आपका 4 पे है, तो अब बताइए क्या टाइम हुआ है? तो ये भी ध्यान से देखो आपका, एक्चुअली में हम देख, अगर हम यहाँ देखें 90 डिग्री जब भी बनता है तो आपके इसमें 15 मिनट्स का गैप होता है, 5, 5, 5, 15 मिनट्स का गैप का मतलब है 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं दोनों नेडल्स। तो आपका यहाँ पे भी देखो 1, 2 and 3, 15 मिनट्स का गैप है, यानी ये भी 90 है। अगर हम थोड़ा सा पेपर को ऐसे रोटेट करें तो ये आपको 90 डिग्री दिख जाएगा। ठीक है, तो कहीं पे भी पूछ सकते हैं, वो ऐसे ही नीचे भी पूछ सकते हैं, नीचे इन द सेंस ऐसे भी पूछा जा सकता है। फॉर एग्जांपल ये 7, 8 आपको बोल दिया जाएगा कि एक सुई यहाँ पे है और एक सुई आपकी यहाँ पे है, तो आप बताइए कौन सा एंगल बन रहा है? तो ये भी आपका, मेरी क्लॉक ठीक नहीं बनी है, अगर आप ठीक से इसको बनाओगे तो ये 15 मिनट्स का गैप है, यानी 3, 5, 5 मिलके 15 मिनट्स बन रहे हैं, तो ये आपका 90 डिग्री होगी, दोनों नेडल्स जो है एक दूसरे पे परपेंडिकुलरली एक दूसरे को कट कर रही होंगी। इसके अलावा आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है,
एक होती है डायरेक्शन क्लॉकवाइज और एक होती है एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, तो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें, तो मैं थोड़ा क्लियर कर देती हूँ. एंटी क्लॉक और क्लॉक क्या होता है. आपकी क्लॉक बच्चे कैसे चलती है, पहले 12 बजते हैं, फिर 1, फिर 2, 3, इस डायरेक्शन में मूव करती है, राइट. दिस इज द डायरेक्शन क्लॉकवाइज. मतलब क्लॉकवाइज का मतलब जिस तरह से क्लॉक मूव करती है, ठीक है. और अगर मैं बोलूँ एंटी क्लॉक, ये क्लॉकवाइज है. अगर मैं बोलूँ एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक का मतलब है, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है उल्टा, क्लॉक से उल्टा. तो क्लॉक इस डायरेक्शन में मूव करती है तो उससे उल्टा, यानी कि ये डायरेक्शन की बात हो रही है. तो ध्यान रखना, क्लॉकवाइज मींस क्लॉक की डायरेक्शन जिसमें उसकी सुइयां मूव करती हैं इस डायरेक्शन में, और एंटी क्लॉकवाइज उल्टी डायरेक्शन, इससे उल्टी, ठीक है. और एक कंप्लीट सर्कल को, पूरा एक कंप्लीट सर्कल लेगी, एक नेडल जो है यहाँ से लेके पूरा घूम के यहाँ तक आएगी, तो उसको यूजुअली आपके क्वेश्चन में लिखा होगा रेवोल्यूशन. एक हैंड जो है पूरी एक रेवोल्यूशन ले रही है, ठीक है. रेवोल्यूशन बोलते हैं पूरे एक राउंड लेने को. इसके अलावा दो तीन और एंगल्स हैं, जैसे कि एक्यूट एंगल, नाम सुना होगा आपने. एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट होता है जैसे मान लीजिए ये आपका 90 डिग्री है, हम पढ़ चुके हैं 90 डिग्री एंगल क्या होता है, ठीक है. ये आपका 90 डिग्री एंगल है, 90 डिग्री से कम, यानी कि यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, ऐसा हो सकता है, 90 डिग्री से छोटा जो भी एंगल है ये सारे क्या हुए, एक्यूट एंगल्स, ठीक है. इसके अलावा एक होता है आपका ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है. ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, इसी का उल्टा. मान लीजिए ये 90 डिग्री है, ठीक है, 90 से बड़ा कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है. ये 90 से बड़ा है, 90 से इधर जा रहा है, ठीक है. और ये 90 से इधर, 90 से इधर है तो एक्यूट है, 90 से उधर है यानी 90 से बड़ा है तो ऑब्ट्यूज है. जैसे कि 135 डिग्री, इसके अलावा 125 डिग्री, 140 डिग्रीज, मतलब बेसिकली 180 से छोटा और 190 से बड़ा होना चाहिए. इसमें 0 से बड़ा और 90 से छोटा होना चाहिए. 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में रहता है, ये 90 से 180 के बीच में रहता है. तो दिस इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल. इसके अलावा एक टाइप ऑफ एंगल है जिसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल. रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल होता है जैसे मान लीजिए कोई भी एंगल बनाइए आप, ये वाला एंगल की बात नहीं करें, इसके अपोजिट वाले एंगल की बात करें, ठीक है. छोटे वाले को छोड़ के ये एंगल, इसको कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है. ऐसे मान लीजिए ये एंगल है, तो इसमें इस एंगल की बात नहीं करेंगे हम, इस एंगल की बात करें तो ये आपका है रिफ्लेक्स एंगल. बेसिकली ये एक स्ट्रेट एंगल से बड़ा होता है, ठीक है. स्ट्रेट एंगल से यूजुअली बड़ा होता है.